सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांग्यान जब ऑफिस से आ रही होती है तो उसको यूफी दिखती है और यूफी उससे बोलती कि मैं तुम्हें आज ट्रीट देती हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। यूफी मांग्यान को अपने घर लेके जाती है और उसको सारी बात बताती है कि मेरे हस्बैंड से मेरा ऐसे ब्रेकअप हुआ या हमने डिवोर्स लिया, ये सब उसको बताती है। फिर यूफी मांग्यान से बोलती, लगता है तुम्हारा पैचअप हो चुका है तभी तुम इतनी जो हो खुश लग रही हो। और उतने में जो है मांग्यान जो है शर्माने लग जाती है और फिर वो दोनों के दोनों जो है ड्रिंक करते हैं और इंजॉय करते हैं। वो अगले दिन मोबे और उसका फादर जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उसका फादर पूछता है कि तुम्हारा जो है बर्थडे आने वाला है। मोबे बोलता है कि हाँ सिर्फ 3 दिन और कुछ घंटे बचे हैं। उसका फादर बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए होगा मुझसे तो तुम मुझसे मांग सकते हो। लेकिन मोबे बोलता है कि आपकी मर्जी, अगर आपको मुझे कुछ देना होगा तो आप दे सकते हो क्योंकि आपने जो है मुझे बनाया है, आप मेरे क्रिएटर हो, मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि फिर भी अगर तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए तो तुम बताना। मांग्यान भी सुबह सुबह अपनी मम्मी से पूछने लग जाती है कि मेरी जो दोस्त है उसको अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे में गिफ्ट देना है तो वो क्या दे सकती है। मांग्यान की मम बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारी फ्रेंड का, तुम उसे झूठ मत बोलो। और वो पूछती है कि कौन सा वाला है, एक्स है या वही वाला जो तुम्हें जो न्यू बॉयफ्रेंड दिखाया था तुमने वो। मांग्यान बोलती है कि एक्स वाला ही है और वो उससे पूछती कि मैं क्या दे सकती हूँ। और वो अपनी मॉम से पूछती कि आपने जो है पापा को सबसे पहले क्या गिफ्ट दिया था, तो उसकी मॉम बताती है कि मैंने तुम्हें उनको एक डॉटर गिफ्ट दी थी। मांग्यान की मॉम उससे बोलती है कि तुमने तो आज तक मेरे को कभी मेरे बर्थडे में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मांग्यान बोलती कि आप मुझे बता दो आपको क्या गिफ्ट चाहिए और आपका बर्थडे आने में अभी बहुत टाइम है ताकि मैं उस टाइम तक के लिए जो है प्रिपेयर करके रखूँ। मांग्यान की मॉम बोलती है कि मुझे जो है एक ग्रैंड डॉटर चाहिए। और मांगे ये बात सुन के जो है अपने कमरे में चली जाती। मांग्यान जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसका फ्रेंड आता है उसके पास और कहता है कि हमें जो है एक का इंटरव्यू लेना है, उसके घर में पूरा जो है रोबोट से भरा हुआ है और वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। मांग्यान और उसका फ्रेंड जब उनके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में जो है सारी तरह रोबोट ही रोबोट थे और उनके पास जो है एक रोबोट, एक ह्यूमन की तरह एक रोबोट होता है, बिल्कुल रोबोट जैसा डांस भी करता है। मांग्यान तभी बोलती है कि इसमें जो है कुछ कमी है, ये सब बोलती है जिससे जो जिसने उसको बनाया होता तो उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद मांग्यान से बोलता है तुम इतनी भी बुरी नहीं हो और तुमने सही बोला कि इसमें ये कमी है, और वो थोड़ा मांग्यान से खुश भी हो जाता है। मांग्यान जब इंटरव्यू ले रही होती है तो उसको केमिंग का कॉल आता है और केमिंग बोलता है मैंने सुना है तुम वापस आ गई। मांग्यान बोलती है तुम्हें बड़ी खबर रहती है। केमिंग बोलता है कि मैं हमेशा जो है न्यूज़ पूरी अच्छे से सुना करता हूँ इसीलिए। और वो बोलता है कि मेरी जो है दादी को जो है तुम वो याद कर रही थी तुम्हें और तुम उनसे कब मिलने आ रही हो। मांग्यान बोलती है बहुत जल्द। मांग्यान उसकी केमिंग की दादी से भी मिलने जाती है और उनको पूरा बताती है कि हमने क्या क्या करा। और वो बताती है कि बहुत तूफान का था लेकिन जो है मोबे ने जो है एक बच्चे की जो है जान बचाई थी और उसकी मॉम की भी जो है जान बचाई थी। तभी वहाँ पे केमिंग आता है और वो उससे बोलता है कि ग्रैंडमा जब भी तुमसे मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मांग्यान बोलती है मुझे पता है वो क्यों खुश होती है, ग्रैंडमा ने मुझे सब कुछ बताया। तुम इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि ये मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता और ना ही पढ़ाई में ध्यान देता है, तुम इन अपनी क्लासमेट को समझाओ थोड़ा। मांग्यान से बोलती कि तुम अपनी क्लासमेट को थोड़ा समझाओ, पढ़ने में भी इसका ध्यान नहीं है ताकि ये थोड़ा जो है पढ़ाई में ध्यान दे। वो भूल जाती है कि उनका बेटा जो है बड़ा हो चुका है और फिर वो जो है हंसने लग जाते हैं। फिर वो तीनों जो है साथ में बैठ कर खाना खाते हैं। मांग्यान जो है ग्रैंड माँ को जो है अच्छे से सर्व करती है खाना, जिसको देख के जो है केमिंग जो है इम्प्रेस हो जाता है मांग्यान से। फिर दोबारा केमिंग जो है अपनी ग्रैंड माँ को सुला लेता है। मांग्यान वहाँ पे जो है फोटोज देख रही होती है ग्रैंड माँ की, तो तब केमिंग बोलता है कि कल जो है सभी इसके ग्रैंड माँ के दोस्त आए थे और उन्होंने जो है ये पुरानी फोटोज दी थी। लेकिन ग्रैंड माँ कभी कभार उनको याद आता है लेकिन वरना ज़्यादातर टाइम पर वो नहीं पहचान पाती। और वो देखती है मांग्यान की बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे से हीरोइन जैसी दिखती है उनकी ग्रैंड माँ उस टाइम पे। मांग्यान फिर केमिंग को सजेशन देती है कि क्यों ना जो है तुम एक शो रखो जिसमें तुम अपनी ग्रैंड माँ को जो है ग्रैंड माँ के लिए एक ज्वेलरी बनाओ और उनको जो है वहाँ पे रखो ताकि वो अलग अलग ज्वेलरी पहन के और वो अपना शो दिखाए और बहुत ज़्यादा वो खुश भी होंगी और सभी लोग जो है उनको देखते रह जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती है।
और केविंग बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है मेरे को, और वो थैंक यू बोलता है और वो मांग्यान को फिर जो है घर छोड़ के आ जाता है। मांग्यान घर जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे भी आ रहा होता है, और वो घर में बैठ के जो है गाना गा रही होती है चिल्ला चिल्ला के खाना ऑन करके, और वो बहुत खुश भी इसलिए भी होती है क्योंकि वो वापस रिलेशनशिप में आ चुकी है। मोबे कोई जो है बंद कमरे में जा रहा होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे लाइट ऑन होती है और वो देखते हैं जितने भी जो डॉक्टर्स थे उसके हॉस्पिटल के, वो सारे वहाँ पे उसको बर्थडे विश करने आते हैं। और वो एक एनिमेशन वीडियो भी देखता है जिसमें उसकी जो है वीडियो जो उसके बचपन की फ़ोटो थी और बड़े की फ़ोटो थी वो सारी जो है एक एक करके जो है निकल रही थी और दिख रही थी। मांग्यान भी पीछे से आके मोबे को जो है विश करती है बर्थडे विश, और मोबे उसको फिर थैंक यू बोलता है। मांग्यान मोबे के लिए जो है एक रोबोट जो है गिफ्ट लाई थी, बिल्कुल उसकी ही तरह मांग्यान की तरह बिल्कुल डिटो कॉपी था और वो, लेकिन वो रोबोट थी। और वो बोलती है मांग्यान कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तुम्हें कैसा लगा? मोबे बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। मोबे मांग्यान को गले लगाता है और फिर वो वहाँ के सभी लोग जो है मोबे का बर्थडे बिल्कुल धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। मोबे जब अपने घर आता है तो वो देखता है उसके फादर भी जो है उसका बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं, और वो मोबे के लिए बहुत सारे केक बनाते हैं और वो बताते हैं कि ये वाला केक तब के लिए था जब तुमने पहली बार मुझे पापा बोला, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। वो सारे बहुत सारे केक बनाते हैं उस अकॉर्डिंग कि जब जब मोबे ने जो है कुछ चीज़ अचीव करी थी लेकिन उसके पापा ने जो है उसका साथ उस टाइम पर नहीं थे। मोबे तब बोलता है कि मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था आप पे, और वो लास्ट केक देते हैं कि ये तुम्हारा जो है आज के बर्थडे का है, और मोबे बोलता है उसमें कि लेकिन अब जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके पापा जो है उसको गले लगाने ही जा रहे होते लेकिन वो रुक जाते हैं उसके आंखों की वजह से, वो स्कैन कर लेता है और वो बोलता है कि शायद से तुम्हारे पापा जो है तुम्हें गले लगाना चाहते थे। और मोबे जो है फिर अपने पापा को जो है गले लगा लेता है खुद से, जिससे जो है उसके फादर को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, और मोबे के पापा की आंखों में जो है आंसू भी आ जाते हैं उस टाइम पे। मांग्यान जो है मोबे को एक वीडियो भेजती है ईमेल के थ्रू, मोबे उसको देखने ही बैठा होता है तभी उसके फादर जो है उसके कमरे में एंट्री मारते हैं, लेकिन मोबे ने जो है अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे तो इसलिए वो अपने पापा की आवाज़ नहीं सुन पाता। और उसके पापा देखते हैं कि वो वीडियो ऑन होती है जिसमें जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे मोबे का बर्थडे, और जिसमें मांग्यान की भी फ़ोटो होती है, और वो उसको देख लेता है और उसको समझ में आ जाता है क्योंकि वो गले लग रहे थे एक दूसरे के, तो उसके फादर को समझ में आ जाता है कि शायद से जो है रिलेशनशिप में है इसलिए मेरे बेटे ने जो है सभी कुछ मेमोरी में जो है पासवर्ड लगा रखा है। उसके फादर जो है फिर से उसकी मेमोरी के जो है फाइल्स देख रहे होते लेकिन अभी भी कुछ कुछ फाइल्स में जो है लॉक लगा पड़ा था। अगली सुबह मोबे और मांग्यान जो है वहीं पे वापस मिलते हैं जहाँ पे वो कॉफ़ी पिया करते थे। मोबे देखता है मांग्यान के फ़ोन में कि उसकी फ़ोटो है पीछे से जो मांग्यान ने पहले खींची थी और वॉलपेपर पे लगाई थी। वो तभी मांग्यान का फ़ोन उठाता है और फिर अपनी और मांग्यान की फ़ोटो खींचता है, सेल्फी लेता है और उसकी फ़ोटो जो है वॉलपेपर में लगा देता है, जिससे मांग्यान जो है बहुत खुश हो जाती है। मोबे के फादर अपनी वाइफ से बात करते हैं कि ये जो लड़की है मांग्यान बहुत ज़्यादा स्वीट है और अच्छी भी है नेचर में, वो उनकी डिटेल भी निकालता है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि मोबे उस मांग्यान के लिए अच्छा लड़का नहीं है क्योंकि वो एक रोबोट है और वो यही टेंशन में रखा होता है कि आगे चल के कभी भी मांग्यान और मोबे की लड़ाई भी होगी तो इनको जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। मोबे की फादर की बॉस जो है वहाँ पे आ जाती है जो कि मांग्यान की मॉम थी, और वो वहाँ पे उसके घर के नीचे वेट करती है और उसको बुलाती है। मोबे का फादर उसकी कार में देखता है एक पता जो कि मांग्यान का पता था, तो बोलता है ये तो यहाँ इस कॉलोनी में ये लड़की भी रहती है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? और मोबे का फादर उसको मांग्यान की फ़ोटो दिखाता है, तब मांग्यान की मॉम बोलती है कि ये तो मेरी ही बेटी है। तब उसके मॉम उसके फादर को पता चलता है कि ओ ये तो मांग्यान की बेटी है, और वो वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगता है। मांग्यान की मॉम भी मोबे के फादर के पीछे भागती है। उसका फादर जो है गेट बंद करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम जो है एट दी एंड जो है वो खोल ही लेती है अपनी एनर्जी लगा के पूरी, और फिर वो उनसे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी की फ़ोटो क्यों रख रखी है, तुमने कोई प्लानिंग वेल लैनिंग तो नहीं कर रखी? मोबे का फादर बोलता है कि मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी जो है शायद से डेट कर रहे एक दूसरे को, लेकिन मांग्यान की मॉम बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और एक तो डॉक्टर भी है।
पर मोबे का फादर बोलता है कि एक काम करता है, हम प्लानिंग करते हैं कि ताकि इनका जो है इनके बीच में जो है लड़ाई हो जाए। लेकिन मांग्यान की मॉम जो है मना कर देती है और बोलती है मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं करना चाहती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है मोबे के घर, मोबे के फादर के घर से। मांग्यान जब अपनी घर में पहुंचती है तो मांग्यान की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद से मोबे नाम का लड़का है ना। मांग्यान तभी बोलती कि आपको कैसे पता चला, आपने कोई मेरे पीछे जासूस तो नहीं रख रखा है, क्या आप लोगों के ऑफिस में जासूस रखना अलाउड है? लेकिन उसकी मॉम बोलती है नहीं मुझे बस पता चल गया, लेकिन तुम मुझसे जो है प्यार नहीं करती ये सब, इसलिए तुमने जो है अपने बॉयफ्रेंड को अभी तक मुझसे नहीं मिलाया। मांग्यान ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि उसकी मॉम ने जो है उस मोबे को वो चाहती है मिलना उनसे, तो वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो है मोबे को अभी कॉल करके बोल देती हूँ कि वो जो है आपसे कल जो है मिलने आए, आज कल वो हमारे घर में खाना खाएगा। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मॉम जो है अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत एफर्ट कर रही है अपनी बेटी के लिए। वो मोबे को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि कल जो है मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है रात को, तो तुम थोड़ा जो है प्रिपेयर होके आना कि किस तरह से तुम्हें बिहेव करना है और थोड़ा सा अच्छे से पेश आना ताकि मेरी मॉम जो है तुमसे इम्प्रेस हो जाए। मोबे जो जब ऑफिस जाता है तो वो अपने वही स्टाफ से बोलता है, डॉक्टर से, कि मैं किस तरह से बिहेव करूँ, वो उनको बता देता है, तो उसको जो है टिप्स दे रहे होते हैं कि वो किस तरह से करेंगे। और मोबे जो है एट द एंड जो है सीख जाता है फाइनली, और वो जो बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना, और दोनों डॉक्टर जो है उससे बोलते हैं वेरी गुड। मोबे जैसी ही जो है मांग्यान की मॉम को देखता है तो कुछ भी बोलने से पहले मोबे बोलता है कि आंटी शायद से मैंने आपको पहले भी कभी देख रखा है, क्या आप मुझे जानती है? उस तभी मांग्यान की मॉम बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे जो है पापा की कंपनी में जो है काम करती हूँ, हम लोग जो है एक ही साथ काम करते हैं। और फिर मोबे जो है घर में आता है और वो बिल्कुल अच्छे से पेश आता है, उसकी मॉम के साथ बिल्कुल प्यार से बात करता है। उसकी मॉम भी जो है मोबे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मांग्यान की मॉम बोलती है कि तुम लोग जो है अब बातें कर लो, मैं तो जो है खाना बना के लाती हूँ। लेकिन मोबे मना कर देता है, वो बोलता है कि मांग्यान से मैंने पूछा था कि आपके लिए कुछ गिफ्ट लाना है, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन अब जो है मैं आपको खाना चखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। मांग्यान की मॉम ये बात सुन के भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मोबे को जो है खाना बनाना भी आता है। मोबे किचन में जाके फिर खाना बनाने लग जाता है, जिससे मांग्यान की मॉम और मांग्यान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो कितना टैलेंटेड बच्चा है। अगले दिन मोबे के फादर की जो है उसके ऑफिस के कुछ लोगों के साथ जो है बहस हो जाती है, जिससे उसका फादर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। मांग्यान की मॉम जब उसको घर छोड़ने जा रही होती है तो वो उस पर बोल रहा होता है कि उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए, वैसा नहीं करनी चाहिए, उनको और भी ज़्यादा सर्च करना चाहिए रोबोट के ऊपर। वो इसलिए चाहता था ताकि वो अपने बेटे के ऊपर भी जो है एडवांस लेवल पर अपने बेटे को पहुँचा सके, ताकि वो कभी भी कमज़ोर ना पड़े। और वो ऐसी लड़ाई कर रहे होते हैं जिससे मांग्यान की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है कि वो तो सही ही बोल रहे थे, उन्होंने भी कुछ गलत थोड़ी ना बोला, जिससे उसके फादर को गुस्सा आ जाता है मांग्यान की मॉम पे। और वो वहीं पे जो है उनकी कार से उतर जाता है और वो बोलता है मैं खुद ही चले जाऊँगा। मांग्यान की मॉम उनको रोकती हुई कि आपको घर का पता है, आप कैसे जाएंगी, ये सब उनको रोकती है, लेकिन वो जो है नहीं सुनता मोबे का फादर और वो वहाँ से चले जाता है। मांग्यान की मॉम जो है तुरंत उस मोबे के घर पे जाती है और वो मोबे से पूछती है कि तुम्हारे फादर आ गए, लेकिन मोबे मना करता है और वो बोलता है कि क्या हुआ। मांग्यान की मॉम बताती है कि हमारी थोड़ी बहस हो गई थी और वो पैदल ही आ गए थे, लेकिन मोबे बोलता है कि पापा को जो है घर का पता ही होगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है कि आप जा सकते हैं अपने घर, लेकिन वही हो जाता है जिस चीज़ का डर होता है, मोबे के फादर जो है अपना घर का पता भूल जाते हैं और ना ही उनके पास वो डायरी होती है जिसमें वो जो है सारी चीज़ें लिख के रखते हैं जो भी वो भूल जाते हैं। और वो फिर वो तो थैंक गॉड उनके पास जो है वो वॉच होती है जिससे जो है वो सिग्नल भेज देते हैं, और उनकी लैब में जो है आवाज़ आने लग जाती है कि उसके फादर जो है वो किसी खतरे में है, जो कि मोबे देख लेता है टाइम पे। लेकिन मोबे की बैटरी जो होती है कम होती है, इसलिए वो जो उनका डॉगी होता है रोबोट, वो बोलता है कि मेरे को पता है कि एड्रेस कहाँ पे है और मेरे को रास्ता भी पता है, मैं जो है मैं उनको लेके आता हूँ सही सलामत। मांग्यान की मॉम जैसी कार में पहुँचती है तो वो देखती है कि मोबे के फादर की जो फ़ोन था वो वहीं पे छूट गया था, तो वो वापस मोबे के घर में जाती है, लेकिन गेट खुला होने की वजह से वो बिना किसी मतलब बिना बेल बजाए ये सब, और वो जो है घर में घुस जाती है और वो टेबल में जो है फ़ोन रख लेती है। पर जैसी वो जा रही होती है तभी मांग्यान की मॉम को याद आता है कि उनके मतलब ऑफिस में किसी ने बोला था कि एक बार जो है तुम्हें मोबे के
मोबे के फादर के घर में जो है एक बार चेक करना चाहिए कि उन्होंने क्या कर रखा है अपने घर में, शायद से कुछ उनके घर में गड़बड़ है। यही चेक करने के लिए मांगियान की मॉम जो है इधर उधर देख रही होती है उनके घर में, और वो उस रूम तक भी पहुंच जाती है जहाँ पे जो है बाकी सारे रोबोट्स और बहुत सारी चीजें थी। और मांगियान की मॉम गलती से मोबे को भी देख लेती है जो कि जो है अपने बैटरी जो है चार्ज कर रहा होता है, और उसको पता चल जाता है मांगियान की मॉम को कि मोबे जो है एक रोबोट है। मोबे का फादर भी मांगियान के मॉम के ठीक पीछे खड़ा होता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें पता चला मैं क्यों मना कर रहा था कि मांगियान और मोबे जो है कभी एक नहीं हो सकते। मांगियान की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है मोबे के फादर से और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने अपने जो है बेटे को जो है एक रोबोट में कन्वर्ट कर दिया, एक इंसान को रोबोट में कन्वर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये तो अनलीगल काम है, ये सब उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उसको मारने लगती है। मोबे के फादर को भी गुस्सा आ जाता है और वो बता देता है कि मोबे जो है मर चुका था। वो उनको बताता है कि वो हिल स्टेशन में गया था और वहाँ पे जो है बर्फ की पहाड़ों की वजह से जो है वो वहीं पे मर गया था। डॉक्टर ने बोला था कि इनका जो है इसका जो है दिमाग जो है पूरा अच्छे से खराब हो चुका है, इसलिए मैंने मोबे का जो ब्रेन है वो बिल्कुल वो रोबोट वाला टाइप का बना दिया, जिससे जो है अब मोबे पूरा का पूरा रोबोट बन चुका है। अब ये सुन के मांगियान की मॉम को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो ये सोचती कि अब वो अपनी बेटी को कैसे संभालेगी, क्योंकि उनकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती है मोबे से। मांगियान की मॉम घर पहुंच जाती है और मांगियान अपनी मॉम को देख के बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या, और वो उनके कंधे दबाने लग जाती है। मांगियान बताती है कि कल मैं और मोबे जो है डेट पे जा रहे हैं। मांगियान की मॉम बोलती कि तुम्हें मोबे के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें अभी कभी कभार लगता नहीं है कि मोबे बिल्कुल डिफरेंट है। मांगियान बोलती है कि हाँ वो मतलब उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है और क्योंकि इसलिए वो सबसे ज़्यादा यूनिक है मेरे लिए। मांगियान की मॉम कुछ और बोलना चाहती थी लेकिन उसको कुछ और लगता है और वो मांगियान की मॉम जो है उसको पूरी बात नहीं बता पाती, उसको भी बहुत दुख होता है और मांगियान उतने में उठ के चली जाती है। मांगियान की मॉम रात भर भी अपनी बेटी को देख के जो है रो रही होती है कि इसका जो है बहुत ज़्यादा दिल टूटेगा जब मांगियान मोबे के बारे में जो है मांगियान को अच्छे से सच्चाई पता चलेगी। अगले दिन मोबे फटाफट उठता है, अपने फादर को खाना देता है और वो बोलता है कि मेरे को जो है बाहर जाना है मांगियान के साथ, और वो जाने लगता है। लेकिन तभी मोबे के फादर जो है पैर में जो है उनके दर्द होने लग जाता है और वो बोलते मेरे पैर में जो है दर्द होने लग गया, मेरी पीठ में भी दर्द होने लग गया है। मोबे जो है चेक करता है अपने फादर की बॉडी को लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। फिर मोबे बोलता है कि आप जो है आप ये भूल गए कि मैं जो हूँ एक डॉक्टर हूँ और मेरे को आप कभी बुद्धू नहीं बना सकते, और वो वहाँ से जाने लगता है। मोबे जा ही रहा होता है, मांगियान को मोबे का कॉल आ जाता है और कहती है कि मेरी मॉम की जो है तबीयत खराब हो गई, उनको थोड़ा बुखार है, इसलिए जो है हम डेट कैंसिल करते हैं और कल जाएंगे उसके बदले। मोबे को लगता है कि मेरे पापा और मांगियान की मॉम ने जो है मिलके प्लान बना रखा है इसलिए ये सब ऐसा बोल रहे हैं, और वो अपने फादर से पूछता है कि आपने प्लानिंग करी थी क्या। लेकिन उसके फादर को तो कुछ पता नहीं होता है। तभी जब वो उसकी आंखें जो है उसके फादर को स्कैन करती है तो उसका स्कैनर बोलता है कि उनके फादर जो है झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं। मांगियान घर में रह के अपनी मॉम की केयर करती है, उनको टाइम टाइम पे दवाई देती है ये सब। लेकिन मांगियान की मॉम फिर से मांगियान से बात करती है और वो बोलती है कि मोबे तुम के बारे में तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता और जब पता चलेगा तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिल टूटेगा, मोबे जो है एक अच्छा लड़का नहीं है। मांगियान बोलती है कि कुछ दिनों तक तो आप उसकी तारीफ कर रहे थे और आपने हाँ भी कह लिया था, लेकिन आप अब मना क्यों कर रहे हैं। मांगियान की मॉम उसको बताती नहीं है लेकिन वो पूरी कोशिश करती है मना करने की कि वो जो है ब्रेकअप कर ले मांगियान मोबे से, और मांगियान जो है ये बात टालते हुए बोलती है कि मॉम जो है आप अभी दवाई खा लो, आपका दवाई का टाइम हो गया है। अगले दिन मांगियान फिर से प्लान बनाती है मोबे के साथ और कहती है कि आज तुम फ्री हो वरना हम जो है रात को डिनर पे चलते हैं। मोबे हाँ कह देता है और वो अपने फादर को कॉल कर लेता है और कहता है कि आज जो है मैं रात को खाना खाने नहीं आऊँगा, मैं जो है वहीं पर खाना खा के आऊँगा बाहर से। मोबे का फादर भी तुरंत मांगियान की मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, मतलब लोकेशन भेज रहा हूँ जहाँ पे मोबे और मांगियान गए हैं, तो हम दोनों जो है चलते उनका पीछा करते कि वो कर क्या रहे हैं। मांगियान की मॉम एक विक्सा पहन रखी होती है कलरफुल, और वो मांगियान और मोबे को जो है देख रहे होते हैं छुप छुप के। वहाँ पे वो पहले सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर उसके बाद मांगियान और मोबे जो है एक वहीं पे डांस में जाते हैं जहाँ पे वो पहले गए थे वो रोबोट डांस देखने के लिए, जहाँ पे मोबे और मांगियान के मम्मी पापा भी वहीं पे होते हैं।
लेकिन जब तक मांग्यान और मोबे के फादर और मदर जो है वो वहां से निकल पाते, तब तक जो है मोबे और मांग्यान जो है गायब हो जाता और वो ढूंढ रहे होते कि वो लोग जो है कहाँ गए। तभी मांग्यान पीछे से आती है और अपनी मॉम का विग खींच के बोलती है, आप लोग मेरा हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। मोबे भी पूछता अपने फादर से कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। मांग्यान की मॉम बोलती है कि मोबे जो है सही नहीं है, और वो बोलती है कि तुम इसके डैड से भी पूछ सकते हो, लेकिन उनका डैड भी जो है नहीं बता पाता साफ साफ कि क्या खराबी है। मांग्यान की मॉम बोलती है कि तुम मोबे को पता है कि हम क्यों मना कर रहे हैं। तभी मोबे जो है मांग्यान का हाथ पकड़ता और बोलता है मांग्यान की मॉम से कि मैं कभी भी जो है मांग्यान के साथ बुरा नहीं करूंगा और हमेशा उसको खुश रखूंगा, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मांग्यान घर जाती है, अपनी मॉम पे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, आप बार बार मना क्यों कर रहे हो। मांग्यान की मॉम बोलती है कि वो जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया था वो भी तो कितना अच्छा है, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी लाइफ है और तुम दूसरा भी ढूंढ सकती हो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। लेकिन मांग्यान मना करती है और वो बोलती है मेरी लाइफ है और मैं अब इतनी बड़ी हो गई कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। मोबे का फादर फिर से मोबे की जो है फाइल्स देख रहा होता है मेमोरी की, तो उसको एक मेमोरी मिलती है जिसमें मांग्यान जो है मोबे को बचाती है पानी से, और वो देखता है उसको। अगले दिन मांग्यान और मोबे के फादर मदर मिलते हैं एक दूसरे से, और मोबे का फादर बताता है कि मैंने जो है मोबे की सारी जो है मेमोरी जो है दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया है उसका प्रोसेस, कि जिससे जो है वो मांग्यान को थोड़ा कम लाइक करने लगे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कमांड कौन करेगा उसको। जैसे मैं पहले कमांड कर रहा था, अब शायद से उसका कमांड वाला भी चेंज हो गया है, और मुझे कहीं डर लग रहा है कि कहीं मांग्यान जो है वो कमांड ना करने लग जाए। और उसकी मॉम से बोलता है कि तुम एक बार अपनी बेटी को बोलो ना, कहीं मांग्यान जब अगर उससे मना कर देगी तो मोबे हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ सकता है, और वो अगर उसको फ्रेंड की तरह भी ट्रीट करेगी तब भी मोबे जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकता है। लेकिन मांग्यान की मॉम बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मांग्यान उसको छोड़ेगी, मांग्यान जो है उसको बहुत अच्छे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसको कभी नहीं छोड़ेगी मोबे को। मांग्यान और मोबे जो है वो मॉल में घूमने जाते हैं, और वो कपड़ों की दुकान में जाते हैं जहाँ पे कि कपल्स के जो है कपड़े मिलते थे, बिल्कुल जोड़ी वाले कपड़े। लेकिन मोबे एक टाइम पे मना कर देता है जिससे मांग्यान जो है थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन एंड में मोबे को जो है मांग्यान की बात माननी पड़ती है और वो कपल्स वाले कपड़े पहन लेते हैं। और फिर मांग्यान बोलती है कि हम लोग जो है अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। मांग्यान और मोबे जगह जगह घूमते हैं, वहाँ पे खूब झूले झूलते, और फिर वहाँ पे वो एक जगह बैठ जाते हैं थोड़ा बातें बातें करने के लिए। तभी मांग्यान को जो है कॉल आता है, उसकी बॉस का कॉल आता है, और उसकी बॉस बोलती है कि तुम्हें जो है एक अवार्ड मिलने वाला है न्यूज़ रिपोर्टिंग का, क्योंकि तुम जो हो अभी अभी न्यू आई हो और तुमने बहुत अच्छा न्यूज़ रिपोर्ट करा है, इसलिए तुम्हें कल जो है अवार्ड मिलने आ रहा है, और मैं तुम्हें जो है कुछ कपड़े भेज दूंगी जिसमें से तुम कुछ एक कपड़ा सिलेक्ट करके जो है अच्छे से रेडी होके आना कल। जिससे मांग्यान ये बात सुन के जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मांग्यान मोबे को जो है आइसक्रीम लाने के लिए भेजती है, मोबे आइसक्रीम लेने जा रहा होता है और वो एक जो है स्टफ़ खरीदती है बहुत क्यूट सा। तभी वो देखती है कि एक बच्चा जो है वो वहाँ पे पास में ही जो है रो रहा होता है। मांग्यान उस बच्चे के पास जाती है और कहती है तुम रो मत, तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मेरे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए ये सब, और वो रोने लग जाता है। मांग्यान फिर उस बच्चे के जो है उस बच्चे का नाम अनाउंस करती है अनाउंसमेंट वाले रूम में जाके, और बोलती है कि अगर कोई इनके मम्मी इसके मम्मी पापा अगर कहीं पे भी हैं तो वो उसको लेने आ जाए। लेकिन मांग्यान जो है खुद खो जाती है क्योंकि उसका फ़ोन जो है डेड हो जाता है, और मोबे उसका वेट कर रहा होता है आइसक्रीम लेके, लेकिन वो जब मांग्यान को कॉल लगाते तो उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ बताता है। मांग्यान फिर अपना नाम भी अनाउंस करती है और कहती है कि मेरे को मोबे एक जगह पे आके मिलना, वो एक जगह का नाम बता देती है और कहती है कि वहीं पे तुम मुझे मिलना। मांग्यान और मोबे एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को जो है गले लगाते हैं। मोबे अब फिर मांग्यान को जो है अपनी कंधे में बैठा के जो है घर लेके छोड़ जाता है, क्योंकि मांग्यान जो है बहुत ज़्यादा थक गई होती है और उसको घर तक छोड़ता है। मांग्यान कहती है कि मैं अच्छे से तुम्हारे साथ अभी भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। मोबे बोलता है कि मैं जो है अब अपना रूम जो है शिफ्ट करने वाला हूँ, फिर तुम जो है मेरे साथ वहाँ पे जो है टाइम स्पेंड कर सकती हो। मांग्यान फिर बोलती है कि कल तुम बिजी हो, मोबे बोलता है नहीं। मांग्यान बोलती है कि कल जो है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है तो तुम आना ज़रूर। मोबे बोलता है ठीक है, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 25, 26 और 27 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।